घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून के लागू होने के बाद पति या पति के परिवार के कोई भी सदस्य यदि बहू के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं या हिंसा पूर्वक काम करते हैं तो पत्नी उसके लिए पुलिस में शिकायत कर सकती है। शिकायत करने के साथ साथ वह ये भी आवेदन कर सकती है कि उसे शारीरिक सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए और उसे अपने पति के घर में रहने की इजाज़त दी जाए। उसे किसी भी प्रकार से ससुराल वाले अपने मायके में जाने के लिए विवश नहीं कर सकते। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून में शारीरिक शोषण के साथ साथ मानसिक यंत्रणा तथा यौन शोषण को भी हिंसा माना जाता है। घर की बेटियां भी यदि इस प्रकार की किसी यंत्रणा का शिकार होती हैं तो वह पुलिस में शिकायत कर सकती हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर सकती हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून में घर की सभी महिलाओं को शिकायत करने का अधिकार है, केवल बहू को ही नहीं। चूंकि माँ को भी अपने बेटे के साथ रहने का अधिकार होता है, उसके प्रति यदि बहू किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करती है या शोषण करती है तो सास भी पुलिस में जाकर बहू के विरुद्ध शिकायत कर सकती है, अपने भरण पोषण की व्यवस्था के लिए आवेदन कर सकती है और अपने घर में रहने का अधिकार मांग सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून के अंतर्गत घर में पत्नी की तरह रह रही महिला को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो घर की बहू को प्राप्त होते हैं। यदि उसके प्रति भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है या हिंसा होती है तो उसे पुलिस में जाने का अधिकार है। वह अपने और इस संबंध से उत्पन्न हुए बच्चे के लिए भी सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकती है, भरण पोषण की मांग कर सकती है।